कुरुक्षेत्र में बर्निंग ट्रेन की घटना सामने आई है। मंगलवार सुबह कुरुक्षेत्र शाहबाद के बीच गांव डोडाखेड़ी के पास कालका हावड़ा एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। आग लगने से ट्रेन के कंपार्टमेंट में धुआं भर गया और बत्ती गुल हो गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इसी बीच यात्रियों ने ट्रेन की इमरजेंसी चैन खींच दी। ट्रेन में हुई अफरा तफरी में वार्निंग कंपार्टमेंट को बाकी ट्रेन से अलग किया गया और यात्री जैसे तैसे नीचे उतरे, लेकिन कंपार्टमेंट में धुआं होने के कारण लोगों का दम घुट गया और 8 लोगों को कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुबह यात्रियों का हालचाल जानने पहुंचे स्टेशन सुपरिटेंडेंट। फिलहाल यात्रियों की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं यात्रियों का कहना है कि रेलवे पुलिस या रेलवे का कोई कर्मचारी उनकी मदद के लिए वक्त पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने अपनी निजी गाड़ियों में यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। रात को पौने दो का वक्त होगा, हम सो गए थे बैठे बैठे, एकदम धुआं सा उठा और धुआं उठते ही सबको स्मेल है कि जलने की। बस उसके से 2-4 मिनट का वक्त मिला होगा, बस चैन खींच दी किसी ने और पता नहीं गाड़ी रुकी कब रुकी, धुआं एकदम भर गया, धक्का मुक्की हो गई। इमरजेंसी से निकल के उल्टा कूदा, धक्का जैसे मिला बाहर, फिर बच्चों को खींचा, वाइफ भी है एडमिट है, उसको भी बहुत धुआं हो गया। तो जलने से बच गए, लेकिन धुएं से तो खत्म हो गया था। आग पहले से गत्ता जल रहा। ट्रेन में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, जांच के बाद ही आग के कारणों का पता चल पाएगा। ये धीरपुर और डोडाखेड़ी स्टेशन के बीच की बात है, तो उसमें गाड़ी में पहले धुआं हुआ, तो पैसेंजरों ने किसी गाड़ी को रोक लिया और उसके बाद में गाड़ी के कुत्ते को काट लिया। पैसेंजरों ने नहीं, पैसेंजर जो हमारे रेलवे स्टाफ ने डब्बे को अलग कर दिया काट के। तो कितने डब्बे जो हैं प्रभावित हुए? एक डब्बा। और कितने लोग घायल हुए? नहीं, घायल कोई नहीं, 5 आदमी थे, उनको थोड़े धुएं की वजह से दिक्कत थी, उनको हॉस्पिटल में दिखाया गया। तो कारण क्या मालूम हो रहा है फिलहाल? जो शुरुआत वो तो जांच के बाद ही पता लगा। तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।